हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड नॉलेज। आज हम आपको बताने वाले हैं समुद्र के नीचे की दुनिया के नीचे क्या है। ये जानने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि पृथ्वी की संरचना कैसी है। नंबर एक, पृथ्वी की सबसे ऊपरी लेयर क्रस्ट कहलाती है। यहाँ मनुष्य जीव जंतु निवास करते हैं और यहीं पेड़ पौधे पहाड़ नदियाँ आदि हैं। क्रस्ट की यह लेयर 5 से 10 किलोमीटर की मोटाई वाली है। लेयर नंबर दो, इसके बाद मेंटल लेयर शुरू होती है। क्रस्ट की लेयर में 1 किलोमीटर के बाद खुदाई करके तेल निकाला जा सकता है। और इसी प्रकार समुद्र में रहने वाले जीवों की मौत होने के बाद उनका शरीर पानी में सालों साल डिकम्पोज होती है और खनिज के रूप में बदल जाती है। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि समुद्र के नीचे कच्चा तेल है, क्योंकि डिकम्पोज की प्रक्रिया सालों साल चलती है। कच्चा तेल निर्माण होना बहुत असंभव है। फिर समुद्र के नीचे क्या है? असल में समुद्र के नीचे भी पानी ही पानी है। हालांकि यह पानी समुद्र से नहीं आता, पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत होने से पहले ही मौसम चक्र शुरू हो गया था, जिसके कारण सालों साल वर्षा हुई और यह सारा पानी पृथ्वी की सतह के अंदर चला गया। कुछ पानी समुद्र के अंदर और कुछ पानी झरनों नदियों के रूप में पृथ्वी की ऊपरी सतह पर है, बाकी सारा पानी समुद्र के नीचे चला गया। जी हाँ, आपने सही सुना, समुद्र के नीचे पानी ही पानी है। मनुष्य के निवास से पहले से वर्षा का पानी समुद्र के नीचे है। सालों साल वर्षा होने के कारण यहाँ पानी क्रस्ट के नीचे मेंटल के ऊपर इकट्ठा हो गया। इन्हीं लेयर के बीच में हमारा समुद्र मौजूद है, इसीलिए यह कहा जा सकता है कि हमारे समुद्र के नीचे सालों पहले बरसात के जरिए आने वाला पानी मौजूद है। जी हाँ, समुद्र के नीचे और कुछ नहीं, पानी ही पानी है। समुद्र के नीचे नदियाँ, यह बात सुनने में तो बहुत अजीब लगती है, लेकिन कई बार साइंटिस्टों ने इस बात की पुष्टि की है कि समुद्र के नीचे नदियाँ बहती हैं। वैज्ञानिकों द्वारा सबसे पहले मैक्सिको के समुद्र के नीचे नदी खोजी गई, जिसका नाम सेनाटो एंजेलिटा, जो कहीं कहीं पर समुद्र के नीचे 115 फीट नीचे तक बहती है और इसका पानी ताज़ा नहीं खारा होता है। और इसी तरह ब्लैक सी के नीचे दुनिया की 6ठी सबसे लंबी नदी मिलती है, जो 100 फीट नीचे समुद्र में बहती है। इस नदी की गति 6 किलोमीटर पर आवर है, जो हर बहाव के साथ 22,000 क्यूबिक मीटर पानी लेकर चलती है। गोल्फ की धारा समुद्र की सबसे बड़ी धारा है। समुद्र के नीचे जिस नदी धारा को सबसे ज़्यादा जाना जाता है, वह गोल्फ की धारा है। यह इतनी बड़ी है कि दुनिया की सारी नदियों की धाराओं को मिला दिया जाए तब भी इसकी नदी की धारा सबसे बड़ी रहेगी। इसके पानी का रंग नीला है, इसके कारण पृथ्वी से दूर सैटेलाइट भी इसे आसानी से पकड़ लेती हैं, जिसके कारण समुद्र के नीचे यह बहती हुई साफ साफ देखी जा सकती है। इसका पानी गर्म है, जिसके कारण लंदन और पेरिस में ठंड कुछ कम पड़ती है। इसी के चलते नॉर्वे के बंदरगाहों पर बर्फ नहीं जमती है। समुद्र के नीचे और भी धाराएं हैं। गोल्फ की धारा के अलावा भी समुद्र के नीचे बहुत सी धाराएं हैं, जैसे कि ब्राज़ील की धारा, जापान की धारा, उत्तरी भूमध्य की धारा, उत्तरी प्रशांत सागरीय धाराएं, दुनिया की कुछ प्रमुख समुद्र के नीचे बहने वाली धाराएं हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।